वाओ यार, एक बार पास ला के दिखाइए तो, ये देखिए यार वाओ, एकदम धुआं निकल रहा है, गजब गजब। डांस करने आता है कि नहीं पार्वती जी? अरे पार्वती जी रुष्ट लग रही हैं, मैं थोड़ा सा शंकर जी के हाव भाव चाल ढाल सही नहीं है, शैतानी किए जा रहे हैं, शंकर जी परेशान किए हुए उनको कब से। यहाँ पे देखिए हमारी आ चुकी है प्लेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। और काशी से निकल के हमारे प्रयागराज में आ चुके हैं हम। अब आपको यहाँ पे भी घुमाने वाले हैं, थोड़े दिनों तक आपको यहाँ के भी स्ट्रीट फूड वगैरह दिखाएंगे कि जो कि बहुत ही फेमस है प्रयागराज के। वैसे पहले तो नाम इलाहाबाद का था, मतलब अब तो प्रयागराज हो चुका है। तो आइए आपको यहाँ का खिलाते हैं हम देहाती रसगुल्ला। क्योंकि देखिए देहाती रसगुल्ला नाम सुन के आप सोच रहे होंगे कैसा नाम रखा है। तो ये नाम रखा गया क्योंकि देखिए देहात के लोगों के जो खाने में टेस्ट होता है ना, वो कहीं और होता नहीं है। तो ये इस समय हम खड़े हुए हैं CMP कॉलेज के ठीक बगल में, तो नहीं थोड़ा दूर ही है आपको, हम यूनियन बैंक के ठीक बगल में इस समय हम लोग खड़े हुए हैं। और यहीं पे आपको मिल जाएगा देहाती रसगुल्ला। हम वैसे एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कितनी भीड़ है, एक भी लेडीज़ दिख रही है नहीं। ऊपर से आप लोग कहते हैं कि खाती ज़्यादा औरतें हैं, देखिए पीछे देखिए आप, एक लेडीज़ खड़ी है बहुत दूर, वो भी पास नहीं बहुत दूर खड़ी हुई है। आइए यहाँ पे आपको हम यहाँ पे खिलाएंगे देहाती रसगुल्ला। और जैसे कि आप देख रहे हैं इतना बड़ा सा भगोना रखा हुआ है, उसमें गर्मा गर्म रसगुल्ले भी हैं। तो आइए आपको खिलाते हैं। ये क्यों बांध रखा है यहाँ पे? अच्छा। तो यहाँ से पैक करा के भी आप ले जा सकते हैं, बकायदा आपको मटके में पैक करके मिलेगा। क्या रुपए पीस है ये? 20 रुपए में एक पीस है। और देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं मटके में ही इनको देखिए सर्व भी किया जा रहा है। और कैसे, और ले के जाने के लिए भी आपको मटके में मिलता है, और एकदम गर्मा गर्म ये। अरे यार ये तो वो गुलाब जामुन है ना ये तो गुलाब जामुन है, लेकिन आपने तो रसगुल्ला लिख रखा है। अच्छा तो यहाँ पे एक पोपट हुआ कि रसगुल्ला नहीं गुलाब जामुन है। तो आइए आपको यहाँ का गुलाब जामुन हम टेस्ट करें, तब तो बताएंगे कैसा है। यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म देहाती रसगुल्ला आप इस समय देख रहे हैं। और भीड़ आप जैसा कि आप देख सकते हैं, भीड़ देखिए यहाँ पे, भाई पुलिस वाले भी आए हैं खाने के लिए वाओ यार, एक बार पास ला के दिखाइए तो, ये देखिए यार वाओ, एकदम धुआं निकल रहा है, गजब गजब। बहुत ही टेस्टी है ये। हाँ तो ये संगम रोड है, वही मैं सोच रही थी कब से कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो संगम रोड CMP कॉलेज के थोड़ा सा आगे आप आएंगे, यूनियन बैंक आपको मिल जाएगा ठीक उसके बगल में। आपको यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है देहाती रसगुल्ला, और ये यहाँ पे बहुत ही फेमस है। तो मिलते हैं, खा पी ले पहले, क्या करना है अब। चलिए अब आपको आगे भी घुमाया जाए, हमारा प्रयागराज नगरी में घुमा के आज आपको दिखाया जाए क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ मिलती है। वैसे हर चीज़ यहाँ पे ना खाने पीने की मैंने सुना कि बहुत ही टेस्टी होती है। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखिए कहाँ कहाँ आपको ले जाते हैं प्रयागराज। मैंने मैं 10 रुपये बचाए रख लूँगा मैं। तो वहाँ से रसगुल्ला रसगुल्ला खाने के बाद हम रास्ते में आए थे, हमें कुछ दिखा कि लकड़ी जैसा कुछ बेच रहा है कोई, तो ये भी कोई खाने का चीज़ है। चलिए एक बार पूछ लिया जाए कि क्या है ये। कंदमूल फल है क्या, मतलब कैसे मिलता है, क्या है ये? 10 रुपए का 2 पीस है, जा दीजिए तो एक। इसको कहते हैं कंदमूल, ये कंदमूल है, सीता जी ने खाया था है ना, वही वाला है ना, पता है कि नहीं तुमको मुस्कुरा के सुर है 5 रुपए दो भाई, 5 रुपए का है, कट कट हुआ जा दिया हमें है, लेकिन गलत गजब टेस्टी है। देखेंगे इसको, देखेंगे तो इस तरह से है, ये ज़मीन के अंदर उगता है ना, अंदर ये ज़मीन के अंदर उगता है। और सीता जी ने यही फल खाया था जब वो वनवास में थी। 5 रुपए दीजिए, वनवास लड़का इंतजार कर रहा है। अरे यार उधर ना एक वो है टॉफ़ी, जो हम लोग बचपन में बड़ा खाया करते थे, आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे ये बचपन की यादें ताज़ा हो गई। यहाँ पे ये सारी जो आप देख रहे हैं टॉफ़ीज़ वगैरह, आप लोग ने बचपन में खाया होगा तो बताइएगा ज़रूर।
कि इस ट्रॉफी को कहते क्या है। एक बार पास से और दिखा दीजिए, मुझे सबका कमेंट आना चाहिए कि इस ट्रॉफी को खाया है या नहीं खाया, और खाया है तो इसको बचपन में क्या बुलाते थे। देख लीजिए, ये है ट्रॉफी, ये वाली ऑरेंज वाली, ये तो सबको मालूम होगी, ये वाली ट्रॉफी तो सबकी फेवरेट हुआ करती थी। तो जो जो खाया है वो जल्दी फटाफट से कमेंट करके मुझे बताए कि ये वाली ट्रॉफी का क्या नाम था। वैसे ये फाइनली ऐसे काटने पड़ रहा है, सीता जी कैसे खाती हूँ तो सोच के हमको अच्छा अभी आपको हम एक और चीज़ दिखाने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं वहाँ पर भी। पैदल चल चल के पैर हमारे दर्द हो गए, हमको टॉफ़ी मिल गई, हमको कंदमूल मिल गया, लेकिन अभी तक हमको जो हमें अभी खाना है वो अभी तक नहीं मिला। वो चलिए वहीं चल के बताएंगे, और बहुत ही फेमस है यहाँ का। आइए। हाय राम, राजा जी ने जीन्स भी पहन रखा है, जीन्स में से पैसा निकल रहा है। ये देखिए पार्वती जी जीन्स में पैसा रखी हैं और जीन्स में पैसा निकाल निकाल के दे रही हैं शंकर जी को। बहुत, अरे शंकर जी सतानी देखिए बच्चे को डरा रहे हैं। अरे बाबा क्या कर रहे हैं आप, ये सब नहीं करिए, बातचीत व्यवहार चल रहा है। तुमने पैसा लिया है? हाँ हाँ, हमको नहीं मिला, एक रुपये मिला है तुमको दो। हाँ एक रुपये तुमको मिला है, झूठ मत बोलो। हाँ नहीं नहीं, हमें नहीं मिला है, तुम समझो बात। चलो जान, मुझे बात ही नहीं करना है। अरे पार्वती जी अकेली रह गई। अरे बाबा पार्वती जी का एटीट्यूड देख लीजिए एक बार। प्यारी कितनी लग रही है, छुटकी सी नन्नी सी। एक ये भी बड़ी सुंदर थी, ये इधर भी जो खड़ी है वो भी बड़ी प्यारी सी है। ये देखिए देखिए कितनी सुंदर कितनी लग रही है। ये ब्लू कलर का क्या लगा था, शंकर जी इतने काले थोड़ी ना थे, नीले रंग का पूरा मुंह में लगा लेते हैं लोग। ओ ये तुम्हारा मेकअप कौन किया है ये बताओ? झूठा, अरे बाप रे बाप। अच्छा वो करके दिखाओ एक बार डांस, अपनी पार्वती जी को भी तो बुलाओ। पार्वती जी से लड़ाई हो गई क्या? सर सर बताओ, पार्वती जी से लड़ाई हुई है? नहीं, तो पहले उसको बुलाओ, पार्वती जी को बुलाओ। इतनी प्यारी लग रही है ये, क्या नाम है तुम्हारा? आशीर्वाद तो दो। जीन्स पहनी हो क्या नीचे? देखें जरा जीन्स दिखाओ एक बार, दिखाओगी तो पैसा देंगे। नहीं दिखाई जी, ट्रेंड किया गया जीन्स नहीं दिखाना है। अच्छा बाय तो कर दो, डांस करने आता है कि नहीं? पार्वती जी, अरे पार्वती जी रुष्ट लग रही हैं, मैं थोड़ा सा शंकर जी के हाव भाव चाल ढाल सही नहीं है, शैतानी किए जा रहे हैं शंकर जी, परेशान किए हुए उनको कब से। बोलती बोलती नहीं क्या ये, बोलती है कि नहीं? हम नहीं, तुम नहीं जानते इनको? ऐसा व्यवहार खराब हुआ है कि शंकर जी ने मना कर दिया पहचानने से, ये तो गलत बात है। जानते हो कि नहीं इनको? नहीं, अलग अलग है क्या? डांस करके दिखा दो, चेक डांस करने आते हैं। दीदी कितनी लगी, पहले तुम अपना नाम बताओ। हाँ हाँ, अरे ये गलत बात है, ऐसे नहीं करते हैं। नाम बताओ पहले, नहीं बताओगी? मम्मी ने नाम बताने में मना किया है। अरे दोनों दोनों को पाँच पाँच रुपये, ठीक है? तुम दोगे कि नहीं इनको? अरे अब फुटकर का बवाल, 5 रुपये आपके पास है चेंज दीजिए। पार्वती और पार्वती जी पैसे के पीछे झमेला पार्वती और शंकर जी के बीच में भी है। इस पार्व कह रही है कि इस पार्वती को शंकर जी पैसा नहीं देते। 10 रुपये 5 रुपये लेके भाग जाते, कहाँ भाग के जाता है? ये कौन है, इसकी बहन है क्या? कृष्णा जी बना है, वहाँ खड़ा है, बराबर है उसके बराबर, कृष्णा जी है, किसी भाई है वो वहाँ पर। दोनों ट्विन से क्या? अच्छा हाँ, रुको भैया चेंज मिल गया फाइनली। बवाल हो रखा है पार्वती जी और शंकर जी के बीच में। नाम तो बता ही नहीं यार, तुम नहीं बताओगी? लो अच्छा क्या नाम है बोलो। पार्वती। पार्वती जी ने पीछे जीन्स पहन रखा है, प्यारी कितनी लग रही है ना। बाय।
बाय भी नहीं करेगी, मना कर रखा है घर वालों ने। अरे आइए, हम तो अपने लक से ही फिसल जा रहे हैं बार बार। इनको देखिए, यहाँ पर टीका सीका लगा के एकदम बना दिया गया है। आए पुलू, आए छोटे बच्चे, कहाँ का ले हो? कोई भाव ही नहीं देना है इनको, भी 10 रुपये दिया जाएगा तभी ये बातचीत करेंगे। नो व्यवहार, नो व्यवहार कह रहा है मैडम जी, नो व्यवहार। तो आ चुके हैं हम राजू कचौड़ी वाले के। अरे इनको खोजते खोजते हम पगला गए रास्ते भर में कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है, चलते चलते हमारे पैर में छाले पड़ गए। तो आ चुके हैं राजू कचौड़ी वाले के, और बड़े ही प्यार से आटे को मलते हुए हम ही को देख रहे हैं। तो आइए चलिए चला जाए। अरे आपकी दुकान खोजते खोजते हम पागल हो गए, हमें मिली ही नहीं। पहले आप वहाँ लगाते थे ना, बट के पास, तो अब नया जगह बता दीजिए कौन सी जगह है ये। जहाँ रहेंगे वो जगह ही राजू कचौड़ी हो जाएगा। अच्छा, अरे जगह भी तो होगी कोई, हाँ कोई एक ऐसी जगह बताइए कोई, अगर आपको खोजे तो तुरंत आ जाए आपके पास। अच्छा, तो अभी इनकी दुकान यहाँ पे, अब मेला के बाद ठीक सामने हो जाएगी, जैसे कि आप उधर हम आपको दिखा दें संगम में। वैसे भी आप आएंगे ना, कह रहे हैं ढूंढने से भगवान नहीं मिलता लेकिन हम लोग मिल जाते हैं। तो आप किसी से भी राजू कचौड़ी पूछेंगे संगम आने के, अच्छा सच्चे मन से ढूंढना, तो राजू कचौड़ी आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। कहीं भी संगम में आने के बाद किसी से भी पूछेंगे कि राजू कचौड़ी कहाँ पे है, तो राजू कचौड़ी पीछे से बैकग्राउंड सुन रहे हैं ना, कह रहे हैं सच्चे मन से ढूंढेंगे मिल जाएगा। तो आइए आपको हम यहाँ की बड़े ही मस्त इंसान लग रहे हैं ये, तो आइए यहाँ की कचौड़ी खा के भी देखा जाए कैसी है। आइए यहाँ देखिए किस तरह से कचौड़ी छनाई जा रही है, किस तरह से लगे हुए हैं लोग, ये भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए हमारी आ चुकी है प्लेट, यहाँ पे गोभी, क्या है ये, सोयाबीन और आलू की सब्जी और चटनी और पूरी यहाँ पे लगी हुई मिली हमें। और इसका कितना पैसा लगता है? 30 रुपये। 30 रुपये प्लेट? 30 रुपये प्लेट में कितने? 8। अच्छा, 30 रुपये प्लेट आपको ये मिलेगी, भर पेट खाइए आके यहाँ पे। तो आइए चलिए खाया जाए, हम भी बैठ के खाएंगे तभी ना बताएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी प्लेट भी आ चुके। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, हट हट, सब चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अब प्लेट में आ चुकी है सब्जी और पूरी, अब हम खा के ही बताएंगे, खा के ही बता सकते हैं अब क्या करें। आप लोग हमेशा शिकायत करते हैं मैम प्लेस नहीं बताते हैं, तो हम बता दे रहे हैं राजू कचौड़ी वाले हैं, यहाँ आके खा लीजिएगा भर पेट के, और हो सके तो हमें मेरे लिए जब बनारस आइए तो ले आइएगा। यहाँ की जो कचौड़ी है वो बहुत ही खस्ता है, और वो आप देख रहे हैं कितना फटाफट उन्होंने बनाया। और इनका कहना है कि अगर आपको कचौड़ी का मज़ा लेना है तो सुबह आइए 10 बजे, और अब हम कचौड़ी खा कर मिलते हैं आप लोगों से। गरम गरम है, मुँह से बोला नहीं जा रहा है हमसे, खा लेते तो मिलते हैं आपसे। तो फाइनली यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म कचौड़ी हो गई ख़त्म, और यार मेरा पेट जैसा लग रहा है फट जाएगा, इतना ज़्यादा खा लिया है ना कि पूछिए मत। तो आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, इलाहाबाद आए हुए हैं तो इलाहाबादी वाले ज़रा सा ज़्यादा सपोर्ट अपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी शेयर करें, है ना। बाय बाय।